विनोद यादव जी है, उनसे भी बात करते हैं। तो क्या लग रहा है सर, 24 तारीख के जैसे बोल रहे तूफान आने वाला, किसी कैसी तैयारी जोर शोर से चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, नवादा जिला जो है सदैव तेजस्वी जी हों या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हों, सभी के दोनों के नेता का, माननीय नेता का स्वागत के लिए नवादा जिला सदैव रिकॉर्ड बनाया है और इस बार भी 24 तारीख को रिकॉर्ड बनाएगा। सर, नवादा जिला वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ आए और अपने नेता तेजस्वी यादव जी का भाषण सुने? तेजस्वी जी ने करके बता दिया जी, सारा पूरे बिहार का जनता, पूरे देश का जनता जान रहा है, देख रहा है। जो नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर पाए जी, उसे तेजस्वी जी ने 17 महीना में करके अपना एक रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में जी, किसी भी स्टेट में किसी सरकार ने इस तरह का कार्य करके नहीं किया। इस बार 2025 में पूरे बिहार में क्या कहना चाहते हैं कि 2025 में फुल बहुमत, जैसे अभी सर बताए थे कि आरजेडी का इतना बहुमत रहेगा कि उसके सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या लग रहा है 2024 में ही बीजेपी बिहार से साफ हो जाएंगे क्या? 24 में ही हो जाएगा, 24 में हो जाएगा। सर क्या लग रहा है 24 तारीख की तैयारियां आपके तरफ से कितने जोर शोर से लगी है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे तरफ से नहीं, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। और जो जन विश्वास यात्रा हमारे नेता, हम सबों के नेता भाई तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो पूरे बिहार में घूमकर सभी लोग को जागरूक कर रहे हैं, हम लोग नवादा जिला के सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि पूर्णिमा के दिन ही जी, हम लोगों के नेता, गरीब गुरुआ लाचार बेसहारों के नेता भाई तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है ITI के मैदान में। इससे हम लोग गौरवान्वित भी हैं और पूरी तैयारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे जिला में एक है और आने वाला समय 2024 में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 100 के 100% यहाँ ही नहीं जी, पूरे बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे और भाई तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। सर 2024 में आप बोल रहे हैं 40 के 40 सीट हैं, लेकिन उधर चिराग बोल रहे हैं और उधर सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि इस बार फुल बिहार में जितने सीट हैं वहाँ बीजेपी का थंब लगेगा, बीजेपी का है, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी पार्टी है हमारी जी, पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी और वो लोग कहते हैं कि जीतेंगे हम, तो वो लोग तो हमेशा कहते रहते हैं, आज कोई कह रहे हैं तो कोई नई बात तो है नहीं। उन लोग को कहनी और कथनी में आसमान ज़मीन का फर्क है, ये सभी लोग जानते हैं, वो तो कहेंगे ही। जैसे उन्होंने अभी कहे थे, सम्राट चौधरी भी बहुत कुछ कहे थे, लेकिन अभी उस पर क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी जी को तो छोड़िए जी, आप जब कहे थे कि हम पगड़ी खोलेंगे जब ही जब मुख्यमंत्री को हटाएंगे सामने से जी, और उनके एक मंत्री हैं नीरज जी जी, हमें जहाँ तक याद है कि वो कहे थे कि इनका माथा में दिनाय हो गया है, तो हो सकता है दिनाय का दवाई नीतीश जी लेके गए होंगे, तो दवाई लगा दी है तभी पगड़ी खुला नहीं है। लेकिन निश्चिंत रहिए, भाई तेजस्वी यादव के देखरेख में जी और इनकी अगुवाई में आज नहीं तो कल पगड़ी खोलना पड़ेगा और वह पगड़ी हम सब मिलकर माननीय भाई तेजस्वी यादव के सिर पर चढ़ाएंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये संकल्प लिए और 2024 तारीख से उनकी सभा का पूरे तैयारी कर रहे हैं, 100 के 100% तैयारी। और तेजस्वी यादव की जी को और लालू यादव जी को चाहने वालों की कमी नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं है जी, यह ताकत हमारे नेताओं में है, हमारे नेता में, हम सबों के नेता में है। चूँकि सभी लोग जानते हैं कि आने वाला समय में अगर बिहार को खुशहाल कर सकता है, बिहार को पूर्ण रूप से शिक्षित कर सकता है, विकसित कर सकता है, तो भाई तेजस्वी यादव है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।